देखिए 128 पे 8, जो मेरे से पिछले हफ्ते से बहस कर रहे थे लोग कि ये टीम बनाएगी 266 उस पिच पे, 357 जिस पिच पे इंडिया ने बना दिया वहां पे तुमसे 150 नहीं बना कायदे में, तो और तुमने 266 बनाना था। शक्लें देखी अपनी शीशे के अंदर। अब आप ये बात बताइए, जो हमारे एनालिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जी 60% मैच तो पाकिस्तान जीत गया था, 40% इंडिया था, बारिश ने इंडिया को बचा लिया था, किसने बचाया था बारिश, बारिश ने किसको बचाया था, शर्म नहीं आती बोलते हुए? इनके पास बैटिंग है ही नहीं, इनका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, बाबर के शलवार के नाड़े जो है अगर निकल जाए तो उसके बाद गिर जाते हैं भाई, पजामे गिर जाते हैं उसके बाद, समझ नहीं रहे आप ये बात? ये पजामे पकड़ने के चक्कर में ही आउट हुए हैं। आप पजामे पजामे पकड़े हैं, पहले बोरी होती थी बचपन में रस्सी, वो बोरी वाली वो होती थी ना, बोरी पकड़ के आप पजामे पकड़ पकड़ के भाग रहे हो वहां पे। 128 पे 8, जहन्नम की लानत ऐसी बैटिंग पे बोर कर दिया हमें। हमने सोचा था कुछ तो फाइट दिखाओगे, कॉमेडी कर रहे हैं इसीलिए हमारे बोल रहे इंडिया के बोलर, तुम्हारे बोलर तो भाईजान भागते हुए स्पिनर है, स्पिनर को देख लिया भागते हुए स्पिनर्स पे, बाद में आऊंगा। बुमराह ने जिस तरीके से इमामुल हक को आउट किया है, या हार्दिक ने जो बोल्ड मारा है, नंबर वन बैटर इन द वर्ल्ड बाबर आजम को, नंबर वन, नंबर वन, नेपाल इंडिया के अगेंस्ट, पर पकड़ पजामा। अब आप ये देखिए, दे कैन नॉट प्ले हिम, शहबाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सल्यूट जी सीएम शहबाज, दे कैन नॉट प्ले हिम, उसको छोड़ दो, उसकी तो पिटाई हो गई आज, 80 रन खा लिया उसने। देख, यू कैन नॉट प्ले हिम, यू कैन नॉट प्ले हिम। फकर जमान 3 बार खेला है इसके अगेंस्ट, 3 बार फकर जमान को आउट करे, आज तो वही बात थी कि पकड़ पजामा। स्टंप बाहर, खतरनाक। उसके बाद जो भी आ रहा है, कुलदीप यादव की शक्ल देख के आउट आ रहा भाई, 5 विकेट उसने ले ली ऐसी पिच पे जिसमें तुम बोल रहे हो फ्लैट ट्रैक है, तुमने शादाब को खिलाया, तुमने नवाज को बाहर किया, सारे बंदों को कुटाई हुई, 150 रन तुम नहीं बना पाए। इंडिया की सबसे बड़ी 150 रन आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, इंडिया ने पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से कभी नहीं हराया था। तुम 228 रन से हार गए हो भाई, तुमने बनाए थे 266 जो इससे लास्ट वाला था ना, उससे दुगना, उससे दुगना देख लो यार। मैं कह रहा हूं पजामा पकड़ भी लेते तो भी नहीं बनता 266 नहीं बनता, तुमने बनाए थे 266, आर यू किडिंग? इन्हें नाड़े की नहीं रस्सी की जरूरत थी, रस्सी बांध लेते आपको मैं दूंगा बेल्ट, पहले बांधेंगे एक बेल्ट फिर दूसरी बांधेंगे बेल्ट, वो पजामे की प्रॉब्लम हो जाती है, सलवार से नाड़ा निकल जाए तो पजामे की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको जिसको बोला था सलवार का नाड़ा नहीं है, नहीं उसने तो नाड़े निकाल दिए तुम्हारे शाहीन के। शामी भाई, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया एकदम चुप है। अब वो सारी बातें होना बंद हो गई जब वो कहते थे कि बारिश ने भारत को बचा लिया, नहीं तो पाकिस्तान भारत को आसानी से हरा देता। यहाँ तक कि पहले दिन का जब मैच हुआ दूसरे मैच में, तो जब भारत 147 रन 2 विकेट के नुकसान पे था, तब भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहे थे कि आज भी भारत को बारिश ने बचा लिया। तो जब मैच हारने के बाद अब शायद उनको पता चल गया होगा कि किसने किसको बचाया। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया को जवाब दिया आप इस वीडियो में पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। सलवार से नाड़ा निकल जाए तो पजामे की प्रॉब्लम आती है। उसको जिसको बोला था सलवार का नाड़ा नहीं है, नहीं उसने तो नाड़े निकाल दिए तुम्हारे शाहीन के। शामी भाई से अब उसने दूसरे ओवर में 3 चौके, उसे तीसरे ओवर में फिर 3 चौके, शाहीन का तो पोस्टर बना के चिपका दिया शुभमन गिल ने, वो तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा का एहसान मानो कि वो आउट हो गए। 450 रन मार देते वो। और तुम पहले, अच्छा जब हमारी बैटिंग हो रही है, सुशांत भाई ये तो फ्लैट ट्रैक है ना, ये तो गलत बात है, आप फ्लैट ट्रैक पे खेले हैं, आपने फ्लैट ट्रैक पे खेला है, हम भी फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे, आ जाओ फ्लैट ट्रैक पे खेल ले, आ जाओ भाई हमारे भाग के। 128 पे 8, बुमराह की बॉल समझ नहीं आ रही, सिराज की बॉल खेली नहीं जा रही, शार्दुल आया पहले ओवर में विकेट, हार्दिक आया बाबर आजम बोल्ड, कुलदीप आया टीम बाहर। तो आपको मैंने देखो आपसे एक वादा लिया था, हंसने वाली बात नहीं सीरियस बात है, आप मजाक करोगे तो फिर उल्टा ले लो। सीरियस बात क्या है, मैंने आपको बोला था अगर ये हार, यार बाबर आजम क्या बोल रहा है बता देना, हेलो उसका वो निकाल लेना, बोल रहा क्या बता देना,
अगर ये टीम हार गई 200 रन से तो मैंने आपको बोला था कि फिर इनको वापस चला जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन का था वो बाहर निकले निकले प्रेजेंटेशन के बाद ही जाओ। देखो अगर आप 226 रन से हार गए हो तो अब आपको फ्लाइट पकड़ के ना सीधा। हाँ बस एक मेरी सलाह है कि अलग अलग जाना, एक जगह मत जाना, ठुकाई पड़ी होगी बाहर जाना, कुछ इस्लामाबाद जाना, कुछ पेशावर, कुछ ऐसे ऐसे जाना, ठुकाई होगी और कुछ पानी के रास्ते, गाड़ी पर निकल जाना है, कुछ वो राम सेतु से ऊपर ना वैसे जाना। और देखो हमारे आप बोल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी बुमराह 5 ओवर 18 रन 1 विकेट, इससे तो बॉलिंग नहीं करवाई कि कल भी मैच है। पेसर से तुम्हारा क्या हाल करा है इसने तुम्हारा? बाबर आजम को तो बॉल ही नहीं समझ में आ रही थी। द ग्रेट नंबर 4 बैटर इन द वर्ल्ड 18 बॉल 9 रन 50 की स्ट्राइक। एक तो मेरे को इनकी ये नहीं समझ में आती, तुम 357 चेस कर रहे हो, लानती स्ट्राइक रेट, जहन्नम की लानत, जहन्नम की दोजक की आग की लानत की फिटकार, 50 की स्ट्राइक रेट उसकी, ये तुम्हारा बब्बर शेर 54 की स्ट्राइक रेट। अबे क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? लास्ट में तो लोग लिख रहे हैं भाई फॉलो ऑन बचा रहे हो क्या? ये 41 की स्ट्राइक रेट तुम्हारा बब्बर शेर नंबर वन पर देख ले। तीन है तुम्हारे, एक एक करके दिखाना बेटा। नंबर वन बैटर स्ट्राइक रेट 41, चेस कर रहा 357, 24 बॉलों में 10 रन। नंबर 4 बैटर इमाम, स्ट्राइक रेट 50, 18 बॉलों में 9 रन। नंबर 7 बैट्समैन फकर जमान 54, 50 बॉलों में 27 रन। कुलदीप जैसे ही आया पैर उधर मुंह उधर पजामा इधर, चलो यार क्या हो रहा है ये? अबे हम पागल हो गए पूरे दिन मैच देखने के लिए, तुमने ये मैच खेला है? कुछ तो फाइट दिखा लो, शुक्र है वासे, कुछ तो शर्म कर लो। वासे भाई ने ब्लाउज नहीं बोला था। वासे वासे तो वासे का तो आज देखो वासे से मैं शो करूंगा कि तूने क्या सोच के बोला था कि बाबर की सलवार का नारा। एक तो सलवार कहां से आ गई, सलवार कहां से? मैं तो इमेजिन भी कर लिया है इसने, कमीने ने ब्लाउज के हुक बना दिया। तुम कितने यार, अच्छा ना करो यार, उन्होंने शुभमन का बोला सलवार, सलवार का नाड़ा, अच्छा छोड़ तो मैं क्यों ना बोलूं यार, माफ कर दे भाई। आपके स्ट्राइक रेट देख लो, एक पूरा स्कोर कार्ड दिखा दो, 128 पे 8। किस मुंह से, किस फटकार फिटकार लांती ने बोला था कि तुमसे 266 चेज हो जाता, उस पिच पे जहां इतनी बारिश हुई हुई थी? किसने तुम्हें बोला था? किसने तुम्हें ये गलत पिक्चर दिखाई? किसने तुम्हें पट्टियां पड़वाई ये बताओ? लानत की डेफिनेशन ये होती है। और आज वही लोग भारत की तारीफें कर रहे होंगे कि देखा हमारी टीम, पाकिस्तान की तो बॉलिंग ही नहीं है, पाकिस्तान की तो बैटिंग ही नहीं है। सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी सब पे भारी, उसी दिन बता दिया था, उसी दिन ट्वीट करके ठोक रहा हूं रोज कि तुम्हें ठोकेंगे इस दिन ठोकेंगे। अब तुम्हें एक बार और बता दूं, अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है फाइनल यहां से। अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट हार गए, आप तो वैसे ही बाहर हो, ठीक है ना, आपको यह दुआ करनी चाहिए कि कल इंडिया श्रीलंका वाले मैच में बारिश, आज भी दुआएं मांग रहे थे बारिश की, शोएब अख्तर भी ट्वीट कर रहे थे बरसो रे मेघा बरसो, नहीं हुआ ना। लेकिन उसका भी एक तोड़ आपको बताऊंगा, आपकी टीम वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं है, आपकी टीम सेट नहीं है, आप जबरदस्ती प्लेयर फिट, मिडल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं। मिडल ऑर्डर देख लो भाई, आज टॉप टीम के अगेंस्ट पहली बार खेले टॉप टीम के अगेंस्ट, तब से न्यूजीलैंड सी टीम, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, टुडे इंडिया फर्स्ट टाइम वर्सेस इंडिया बोलिंग। मोहम्मद रिजवान 5 बॉल पे 2 रन, सलमान अली आगा अपने बैट से अपने मुंह पे बॉल मार ली 32 पे 33, इफ्तिकार अहमद 35 पे 23, 65 की स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है 71 की, 60 की स्ट्राइक रेट शादाब खान, ऊपर वालों ने 4 चांद लगाए हुए हैं, 40 की स्ट्राइक रेट रिजवान, 41 की स्ट्राइक रेट बाबर आजम। तुम 357 चेस कर रहे थे कि 150 चेस कर रहे थे भाई? हाई है शाहीन अफरीदी। मैं तो कह रहा यार, तुमने कोई एफर्ट करा कि हम ये मैच जीत के दिखाएंगे? आज 357 पढ़वाए तो हम बना भी सकते हैं। पहले तो बुजदिली का डिसीजन सबसे बड़ा ये कि तुमने बॉलिंग करा ली। बाबर से कोई पूछने वाला हो भाई, हर बार तू ये सोचता है कि मेरे बॉलर आउट कर ले, मेरे को 150 आउट, मेरे को 150 करना पड़े, 250 बना ले, है क्या? बकवास मैच हुआ है यार, हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है मैच जीत के। एक चीज आप दोबारा